तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 14 लोग इसमें सवार थे, 7 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। वहीं 4 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। वायुसेना ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं और बताया जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ है। इस हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और उनकी पत्नी, उनका डिफेंस स्टाफ जिसमें ब्रिगेडियर शामिल, लेफ्टिनेंट जनरल शामिल थे, रेस्क्यू किए गए लोगों को वेलिंगटन बेस में इलाज के लिए ले जाया गया है। चौथे शख्स की तलाश लगातार जारी है। हेलीकॉप्टर में सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर एलएस लिडेर और लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, एनके गुरसेवक सिंह, एनके जितेंद्र कुमार, ये लोग इसमें शामिल थे और कई अधिकारी भी शामिल थे। हवलदार सतपाल भी सवार बताए जा रहे हैं कि वो भी इसमें सवार थे। खबरों के अनुसार ये MI सीरीज़ का हेलीकॉप्टर था। ये हेलीकॉप्टर कोयम्बटूर और सुलूर के बीच में क्रैश हो गया। नज़दीकी इलाकों में तलाशी अभियान लगातार जारी है और कोशिश यही है कि इसके और क्या कारण थे, स्पष्ट रूप से उन कारणों का पता लगाया जा सके। लेकिन जो तस्वीरें लगातार हम पिछले कुछ देर से आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हैं। दुखद तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं क्योंकि तमिलनाडु के कुन्नूर के जंगलों में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, उसमें आग लगी है। टीम मौके पर पहुंची, आग को बुझाने का काम लगातार जारी है। हालांकि टोटल 14 लोग इसमें बताए जा रहे हैं जो कि सवार थे। CDS विपिन रावत भी इसमें सवार थे, उनकी पत्नी इसमें सवार थी जो कि किसी कार्यक्रम में जा रहे थे, और कई सेना के अधिकारी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। अभी तक जो घायल हैं उनको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है, उन सभी का इलाज चल रहा है। हालांकि आपको बता दें कि ख़राब मौसम की वजह भी एक बताई जा रही है इसका क्रैश होना। तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिसमें सेना के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। फिलहाल ये मालूम नहीं चल पा रहा है कि सेना का हेलीकॉप्टर मौसम खराब होने के कारण क्रैश हुआ। प्रदीप कुमार राजनीतिक संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। प्रदीप जी, क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल एक बड़ा हादसा हुआ है। जिस तरीके से सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी, अन्य सैन्य अधिकारी मौजूद थे, इस बीच ये हादसा हो गया। निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा, जो तस्वीरें जो वीडियो सामने आए हैं, अलग अलग व्यक्ति विशेष भी ट्वीट कर रहे हैं, साथ ही वो एक मंगल कामना कर रहे हैं कि जो इस हादसे में ज्यादा नुकसान ना हो, सीडीएस जनरल विपिन रावत की सलामती की यहाँ पर दुआ की जा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि संसद भवन परिसर में ही कैबिनेट की बैठक चल रही थी, इस दौरान ही हादसे की जानकारी मिली। रक्षा मंत्री की ओर से प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी दी गई है। इसके अलावा जानकारी मिल रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में बयान देंगे इस हादसे को लेकर, हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर इसकी तफसील साफ होगी कुछ देर बाद ही। बताया जा रहा है जैसे कैबिनेट की बैठक खत्म होगी उसके बाद संसद में रक्षा मंत्री का बयान होगा, तो एक बड़ा बयान ये माना जाएगा क्योंकि ऐसे वक्त जब पूरे देश की निगाहें जरूर रहेंगी इस पूरे हादसे पर जबकि जमी हुई है, और पल पल का अपडेट जो दिया गया है, रक्षा मंत्री ऑपरेशन जो कर रहे हैं वहां पर उनके संपर्क में है, रक्षा मंत्रालय संपर्क में है, और पल पल का अपडेट प्रधानमंत्री तक पहुंचाया गया है। अब ये जानकारी सामने आ रही कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से संसद में इस हादसे पर बयान दिया जाएगा, तो तस्वीर साफ होगी ये भी बताया जा रहा है क्योंकि अभी तक ये जानकारी मिली है जो 5 डेड बॉडी मिल गई है, यानी जो मृत्यु हो गई है कहा जा रहा है, इनमें से 4 शव बुरी तरीके से जले हुए हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि इसमें अन्य अधिकारी भी, सैन्य अधिकारी भी मौजूद रहे हैं इस हेलीकॉप्टर में जिस ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। CDS जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थी, और जो तस्वीरें और जो वीडियो सामने आए हैं और उसको लेकर व्यक्ति विशेष जो इसको देख रही हैं, सलामती को लेकर वो प्रार्थना कर रही हैं। वो जो अलग अलग ट्वीट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं उसमें राहुल गांधी की ओर से भी CDS जनरल विपिन रावत की सलामती की दुआ की गई है। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री का ट्वीट आया है, अन्य
लोगों का भी व्यक्ति विशेष भी वो इस हादसे के बाद ट्वीट कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि जनरल बिपिन रावत अन्य लोग सही सलामत हों। इस हादसे के बाद अब जानकारी आ रही कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में बयान देने वाले हैं, जिसके बाद इस हादसे को लेकर तस्वीर और साफ होगी। पांच शब्द जो कि बताए जा रहे हैं, क्या उनके बारे में अभी तक कुछ पता चल पा रहा है? कौन कौन से वो अधिकारी हैं, क्योंकि कई नाम तो वो सामने आ चुके हैं जो जो उस हेलीकॉप्टर में सवार थे, ये शब्द किसके हैं, इसके बारे में कुछ पता चल पा रहा है क्या? देखिए, बड़ा हादसा हुआ है और इस पर आधिकारिक बयान का इंतजार करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से सेना का हेलीकॉप्टर और ये जनरल बिपिन रावत अन्य सैन्य अधिकारी को लेकर जा रहा था, इस बीच के दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। घने जंगलों में तकनीकी खराबी या खराब मौसम क्या वजह रही, इस हादसे की जांच के आदेश वायुसेना की ओर से दिए गए हैं। कुल 14 लोग सवार थे, ये बताया जा रहा है, जिनमें सबसे प्रमुख नाम ब्रिगेडियर जनरल बिपिन रावत वो इसमें सवार थे और वेलिंगटन में कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद वापस लौट रहे थे, ये बताया जा रहा है। सिलोर और कन्नूर के बीच घने जंगलों में हादसा हुआ है। इस बीच जो इस पूरे हादसे पर लगातार सर्च ऑपरेशन बचाव अभियान चल रहा है, तो उसमें जानकारी मिली है कि पांच जो शव है वो मिले हैं। इसके अलावा 3 से 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिनका इलाज चल रहा है, गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि जो 4 शव हैं वो गंभीर रूप से जले हुए हैं, जिनसे अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। तो ये प्रार्थना व्यक्ति विशेष कर रहे हैं कि सीपीएस जनरल बिपिन रावत अन्य लोग सही सलामत हो। फिलहाल एक बड़ा हादसा हुआ है और इसको लेकर केंद्र सरकार भी लगातार अपडेट ले रही है। प्रधानमंत्री को पूरा ब्रीफ किया गया है और इसके बाद जैसे ही कैबिनेट की मीटिंग खत्म होती है, उसके बाद रक्षा मंत्री का बयान संसद में होने वाला है, उसमें ये तस्वीर साफ होगी। इस हादसे को लेकर जो जानकारी है वो पूरे देश को दी जाएगी, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है, लिहाजा इसके इस सत्र के दौरान ही अपना बयान रक्षा मंत्री देंगे, इस हादसे को लेकर बयान जारी करेंगे। जैसे कि आप भी बता रहे कि 4 शव निकाल लिए गए हैं और 5 से 6 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, टोटल जो जानकारी निकल रही है वो 14 लोग इसमें सवार थे, क्या जो रेस्क्यू ऑपरेशन है अभी चल रहा है, 14 लोग इसमें सवार थे, क्या सबको बाहर निकाल लिया गया है या फिर कुछ को निकालने का अभियान अभी जारी है? देखिए, जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, क्योंकि एक बड़ा हादसा है, ऐसे में बचाव राहत अभियान चल रहे हैं और इस चीज जो जानकारी मिल रही है हम अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। जानकारी जिस तरीके से सामने आई, इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से यहाँ पर पूरा ब्रीफ किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपडेट दिया गया है इस हादसे को लेकर। साथ ही जो ये जानकारी आई है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पर संसद में बयान देंगे। निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा और इसमें इसको लेकर जो जो भी अपडेट है उसको सरकार अब साझा करेगी। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि 5 लोगों के इस दुर्घटना में मारे जाने की खबर है, 4 शव बरामद जो हुए हैं उसमें वो गंभीर रूप से जले हुए हैं, 80% तक बताया जा रहा है कि वो जले हुए हैं, ऐसे में उनकी पहचान नहीं हो पाई है। इसके अलावा ये कहा गया है कि जो रेस्क्यू किए गए लोग हैं उनको वेलिंगटन बेस में इलाज के लिए ले जाया गया है, सर्च और राहत अभियान वहाँ पर चल रहा है और इसकी पूरी जानकारी अब संसद में रक्षा मंत्री की ओर से दी जाएगी। वायुसेना ने इस पूरे हादसे की जांच के आदेश दिए हैं, तो एक बड़ा अपडेट यहाँ पर मिल रहा है। ये तकनीकी खराबी की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ या फिर ये खराब मौसम की वजह से हुआ, इसको लेकर विस्तार से जानकारी बाद में दी जाएगी। क्रैश होने की वजह अभी तक सामने नहीं आ पा रही है, 2 वजह सामने आ रही है, एक तो खराब मौसम, दूसरा तकनीकी खराबी, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है क्या? देखिए, बिल्कुल ये जांच का विषय है, क्योंकि ये वायुसेना की ओर से जांच के आदेश दिए गए हैं, काफी संवेदनशील ये मामला है और इसमें जिस तरीके से जानकारी मिली है, इसमें सीपीए जनरल बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका, ब्रिगेडियर विक्टर हरजिंदर सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल, इसके अलावा एनके गुरसेवक सिंह पीएसओ जो थे वो इसमें मौजूद थे, एनके जितेंद्र कुमार पीएसओ, इसके अलावा एनके विवेक कुमार, एनके बीआई बी साई तेजा और हवलदार सतपाल, ये नाम सामने आए हैं जो इसमें हेलीकॉप्टर में सवार थे। ये हादसा हुआ है, एक गंभीर हादसा है, क्योंकि जो तस्वीरें जो वीडियो सामने आए हैं वो काफी है बताने के लिए कि ये हादसा कितना गंभीर है, लिहाजा इसको लेकर अब यहाँ पर पूरा ब्रीफ किया गया है प्रधानमंत्री को
पूरी जानकारी दी गई है। संसद भवन परिसर में ही पहले से पूर्व निर्धारित जिसकी अमूमन हर हफ्ते कैबिनेट की बैठक होती है, सत्र चल रहा है, बीच ये बैठक बुलाई गई थी संसद भवन परिसर में। इस बीच ये हादसे की जानकारी मिली और रक्षा मंत्री की ओर से पूरी जानकारी साझा की गई है, विस्तार से जानकारी आप सदन में दी जाएगी, ये जानकारी सामने आ रही है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा हुआ है और सीडीए जनरल नितिन रावत की सलामती को लेकर अलग अलग व्यक्ति विशेष लगातार ट्वीट कर रहे हैं। वो इस हादसे के कारणों को लेकर और इस हादसे के बाद अपनी प्रतिक्रिया जता रही हैं। तो एक बड़ी दुर्घटना हुई है, लिहाजा सेना के हेलीकॉप्टर क्रेश के बाद जिसमें खुद सीडीए जनरल नितिन रावत सवार थे, उनकी पत्नी सवार थी, अन्य सैन्य अधिकारी सवार थे, लगातार अपडेट मिल रहे हैं, जानकारी मिल रही है। और ये तमाम जानकारी जो पूरे इनपुट वहाँ से मिले हैं, जो सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, उसकी जानकारी अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में साझा करेंगे, देश को बताएंगे कैसे हादसा हुआ, क्या जानकारी है, उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी। इसके अलावा सेना के आधिकारिक बयान का भी इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल, और इसी बीच जो सबके बयान सामने आ रहे हैं, सबके ट्वीट सामने आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात है बहुत बहुत दुखद हादसा है, और बड़ी बात यह है कि सब लोग स्तब्ध हैं एकदम में। देखिए बिल्कुल, और पूरा देश जिसको भी जानकारी मिल रही है इस वक्त, जो जो लोग टीवी स्क्रीन के माध्यम से अन्य समाचार माध्यम के जरिए ये खबर उन तक पहुंच रही है, निश्चित तौर पर ये जानकारी अपने आप में स्तब्ध कर देने वाली है। सेना का हेलीकॉप्टर वो क्रैश हुआ है तमिलनाडु के कन्नूर में, और वहाँ पर जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसमें जनरल बिपिन रावत, सीडीएस जनरल बिपिन रावत वो भी उसमें सवार थे, उसकी पत्नी के अलावा अन्य सैन्य अधिकारी आला अधिकारी वो मौजूद थे। और इस बीच ये जानकारी मिली कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लिहाजा चिंताएं बढ़ी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं वो एक बड़ी दुर्घटना की ओर इशारा कर रही है। लिहाजा इस हादसे के बाद यहाँ पर अचानक हलचल बढ़ गई और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राहत और बचाव अभियान को लेकर पल पल की जानकारी रक्षा मंत्री की ओर से दी गई है प्रधानमंत्री को, और अब ये जानकारी आ रही है कि रक्षा मंत्री खुद इस पर संसद में बयान देंगे। इसके बाद ही तस्वीर साफ होगी हादसे को लेकर पूरी तरीके से किस तरीके से ये तकनीकी खराबी की वजह से हुआ या खराब मौसम की वजह से हुआ, इसको लेकर वायुसेना की ओर से भी जांच का आदेश दिए गए। एयरफोर्स ने पुष्टि कर दी है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, सिर्फ इंतजार है कि रक्षा मंत्री आधिकारिक बयान दें इस घटना को लेकर कि कैसे हुआ, क्या हुआ और अभी क्या है, अभी सिर्फ इंतजार है ये कहा जा सकता है। देखिए बिल्कुल, ये इंतजार किया जा रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान का, और उसके बाद ही ये तस्वीर साफ होगी। कुछ देर बाद बताया जा रहा है रक्षा मंत्री जब कैबिनेट बैठक के बाद संसद भवन के मुख्य दरवाजे से होते हुए पहुंचेंगे, तब उसके बाद उनके बयान पर तस्वीर साफ होगी। लेकिन एक बड़ा बयान ही माना जाएगा, क्योंकि ऐसे वक्त जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और उस हेलीकॉप्टर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत के अलावा अन्य सैन्य अधिकारी मौजूद थे, निश्चित तौर पर एक बड़ी दुर्घटना, क्योंकि वीडियो और तस्वीरें खुद गवाही दे रही है कि एक बड़ा हादसा हुआ है। लिहाजा हर कोई सीडीएस जनरल बिपिन रावत अन्य सैन्य अधिकारियों की सलामती की दुआ कर रहा है। लगातार एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं ट्विटर के माध्यम से देखने को मिल रही है, लिहाजा इस पर पल पल का अपडेट रक्षा मंत्रालय की ओर से रक्षा मंत्री को, और रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को पल पल का अपडेट दिया है। अब इसकी जानकारी साझा की जाएगी, संसद में बयान होगा रक्षा मंत्री का और वो इस पर पूरा अपडेट देगी। प्रदीप जी, ये जो खबर है बेहद दुखद तो है ही, क्योंकि पूरा देश इस पर दुख जता रहा है, और दूसरी तरफ जो अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं, जो जो अधिकारी इसमें सवार थे उनके जो परिजन हैं, सबसे ज्यादा सबसे जो बड़ा दुख है उनके लिए है। देखिए बिल्कुल, और उनके लिए सब चलने वाला ये घटनाक्रम जरूर कहा जाएगा, जिनके परिजन हेलीकॉप्टर में सवार थे, पूरा देश निश्चित तौर पर स्तब्ध है ऐसे वक्त जब ये घटनाक्रम हुआ है और जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत, इसके अलावा अन्य व्यक्ति विशेष सैन्य अधिकारी इसमें मौजूद थे। यहाँ पर जिस तरीके से राहत बचाव अभियान आगे बढ़ रहा है, सलामती की दुआ की जा रही है, व्यक्ति विशेष ट्वीट कर रही है,
पूरे पलटन का अपडेट यहाँ पर लिया जा रहा है और इसके बाद अब जानकारी मिल रही है कि रक्षा मंत्री सदन में बयान देंगे, जिसके बाद ही इस दुर्घटना को लेकर आगे इसकी स्थिति साफ होगी, तस्वीर साफ होगी। बिल्कुल, तो बड़ी खबर हम बता रहे हैं और जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो तस्वीर भी लगातार दिखा रहे हैं, वहां के रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर जो कि पिछले काफी समय से, क्योंकि 12:40 का ये हादसा है, तब से लेकर अब तक जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर वो दिखा भी रहे हैं, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। 4 से 5 शव को बाहर निकाल लिया गया है और खबर ये सामने आ रही है कि जो शव बाहर निकाले गए हैं बहुत ज़्यादा जले हुए हैं, उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पा रही है, लेकिन सेना के कई बड़े अधिकारी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। CDS विपिन रावत के अलावा भी कई और अधिकारी इसमें सवार थे जिनके नाम भी अब तक सामने आ चुके हैं। बहुत दुखद खबर है ये, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, ये पूरे देश के लिए दुखी कर देने वाली खबर है और सबसे बड़ी बात जो अधिकारी इसमें शामिल थे उनके परिजनों को लिए बहुत ज़्यादा दुखद खबर, क्योंकि MI-17 हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है जो कि क्रैश हुआ है, इसमें सेना के अधिकारी शामिल थे। क्रैश होने के बाद तुरंत इसमें आग लग गई, हालांकि टीम मौके पर पहुंची, जंगल में यह हादसा हुआ, कुन्नूर के जंगल बताए जा रहे हैं, तमिलनाडु में कुन्नूर के जंगल जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसमें आग लगी और टोटल 14 लोग बताए जा रहे हैं जो कि हेलीकॉप्टर में सवार थे और ये सभी सेना के अधिकारी थे। CDS विपिन रावत, उनकी पत्नी भी हेलीकॉप्टर में सवार थी, साथ में कई और अधिकारी सवार थे। नाम हालांकि उनके सामने आ चुके हैं जो गंभीर रूप से घायल, जिन लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है उनको फिलहाल इलाज के लिए भेज दिया गया है, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन जो अब तक 5 शव निकाले गए हैं उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। शव बहुत ज़्यादा जल चुके हैं हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से और आग लगने की वजह से, अभी तक ये पुष्टि नहीं की गई है कि जो शव निकाले गए हैं वो कौन लोग हैं। कुछ ही देर में रक्षा मंत्री का बयान सामने आएगा, एक औपचारिक बयान होगा रक्षा मंत्री का, जिसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी, जिसके बाद सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि वायुसेना का बयान सामने आ चुका है कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और सब लोग इस हादसे पर दुख जता रहे हैं। जो घायल जवान हैं उनका इलाज फिलहाल चल रहा है, बहुत दुखद खबर पूरे देश के लिए और यही वजह है कि सब लोगों के बयान एक एक करके सामने आ रहे हैं, ट्वीट करके एक एक करके सामने आ रहे हैं। बेहद दुखद हादसा, देश के जो सुरक्षाकर्मी हैं, देश के जो जवान हैं, टोटल 14 लोग सवार थे उस हेलीकॉप्टर में, दिल्ली से सुलूर जाते समय ये हादसा हुआ, था, एक कार्यक्रम था उसमें ये 14 लोग सवार थे और सवार होके जा रहे थे, तभी अचानक से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, उसमें आग लग जाती है। अभी तक जो खबर सामने आ रही है वो 4 से 5 लोगों के शव बाहर निकाले जाने की खबर सामने आ रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, हालांकि 5 से 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं उनको फिलहाल इलाज के लिए भेज दिया गया है। वो घायल लोग कौन कौन हैं उनके नाम अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, औपचारिक बयान नहीं आया है और जो शव बाहर निकाले गए हैं अभी तक उनकी भी पुष्टि नहीं की गई है कि वो कौन कौन हैं, लेकिन कुछ ही देर में अब इंतज़ार है रक्षा मंत्री के बयान का, रक्षा मंत्री का औपचारिक बयान होगा जिसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी। कई केंद्रीय मंत्री दुख जता रहे हैं, नितिन गडकरी का भी कहना है कि स्तब्ध हूँ ये खबर सुनकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में बयान देंगे उसके बाद एक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, औपचारिक बयान वो होगा कुन्नूर में हुए इस हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे का। आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, MI-17 हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है जो कि क्रैश हुआ, ये तस्वीरें हम उस समय की भी आपको दिखा रहे हैं जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था, तब से लेकर अब तक जो अपडेट है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। 5
शव अब तक बाहर निकाले जा चुके हैं। 5 से 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं, उनको इलाज के लिए भेज दिया गया है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं अब तक किया गया है कि घायल कौन कौन लोग हैं। प्रदीप जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, खबर मिल पा रही है कि राजनाथ सिंह मीटिंग छोड़कर बाहर निकल गए? देखिए, बिल्कुल ताजा अपडेट दे दूं। जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, इस पर ब्रीफ किया है प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री की ओर से पल पल का अपडेट जो मुहैया कराया गया है, राहत अभियान जो चल रहा है वहाँ पर, बचाव अभियान, उसका अपडेट लिया गया है रक्षा मंत्री की ओर से और ब्रीफ किया गया प्रधानमंत्री को, विस्तार से जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संसद भवन परिसर में अपने दफ्तर पहुंच चुके हैं कैबिनेट बैठक के बाद, और कुछ देर बाद ये कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान होना है। कुछ और ताजा अपडेट जुटाए जा रहे हैं, जो जानकारी वहां से मिलेगी उसके आधार पर एक विस्तृत बयान जारी यहां पर किया जाएगा, ये बताया जा रहा है। रक्षा मंत्री की ओर से बयान दिया जाएगा संसद में, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है और ऐसे में संसद के बाहर जानकारी ना देकर यहाँ पर संसद के अंदर जानकारी देकर सरकार पूरे देश को ये मैसेज देगी, बताएगी जानकारी देते हुए कि आखिर इस हादसे में क्या हुआ। निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा, जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी हैं, जो वीडियो आए हैं, वो सीडीएस जनरल बिपिन रावत, जिसकी उनकी पत्नी भी हेलीकॉप्टर में सवार थी, अन्य सैन्य अधिकारी, उसमें से ये भी जानकारी सामने आई है कि 4 शव जो बरामद हुए हैं उसमें वो जले हुए हैं, 80% तक पहचान नहीं हो पाई है, ये कहा जा रहा है। इसके अलावा जो अन्य जख्मी लोग हैं, गंभीर रूप से ये बताया जा रहा है, कुछ जो जिनको इलाज के लिए ले जाया गया है। तो बचाव राहत अभियान अभी चल रहा है, इस बीच लगातार पल पल का अपडेट रक्षा मंत्रालय की ओर से लिया जा रहा है। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से संसद में बयान दिया जाएगा, इस हादसे को लेकर जानकारी दी जाएगी। सेना की ओर से भी बयान का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन रक्षा मंत्री के बयान के बाद ही ये बयान अब सामने आएगा, ये तस्वीर सामने आ रही है। दूसरी तरफ वायुसेना की ओर से इस हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं, तकनीकी वजह से या खराब मौसम की वजह से क्या वजह रही कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, इसकी पूरी जांच पड़ताल होगी और इसके बाद ही इस पर आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा सेना की ओर से भी। जो लोग घायल हैं, खबर ये भी सामने आ रही है कि बहुत ज्यादा घायल हैं, उनकी पहचान तक नहीं हो पा रही है। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद, जो 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 जलते हुए पार्ट देखने को मिले हैं इस हेलीकॉप्टर के, वो एक गंभीर दुर्घटना की ओर इशारा कर रहे हैं। लिहाजा इसके विजुअल, इसकी तस्वीरें देखने के बाद व्यक्ति विशेष जो ट्वीट कर रहे हैं वो भी सलामती की प्रार्थना कर रहे हैं, जो इस विमान में सवार रहे होंगे, हेलीकॉप्टर में सवार रहेंगे, उनकी सलामती की प्रार्थना कर रहे हैं, घटना पर दुख जता रहे हैं। एक बड़ी दुर्घटना हुई है, सेना का हेलीकॉप्टर जिस तरीके से क्रैश हुआ है, जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत सवार थे, उनकी पत्नी, इसके अलावा अन्य जो स्टाफ और साथ ही अन्य अधिकारी सैन्य अधिकारी मौजूद इस हेलीकॉप्टर में थे, दुर्घटना का ये शिकार हो गया हेलीकॉप्टर, और उसके बाद पल पल का अपडेट किया जा रहा है। जरूर है कि इस पूरे माहौल में कहीं ना कहीं चिंताएं पैदा होती हैं, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने बयान में क्या ताजा अपडेट देते हैं, इस पर नजर लगी। बहुत ज्यादा चिंता इस बात को लेकर पूरे देश को है। सबसे बड़ी बात यह है कि कैबिनेट की बैठक छोड़कर खुद राजनाथ सिंह निकल गए हैं और प्रधानमंत्री को भी बार बार अवगत कराया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि पूरे देश के लिए दुख की खबर, पूरा देश दुखी है इस खबर को सुनकर। देखिए बिल्कुल, और पूरे देश के लिए दुखद समाचार है। जैसे ही ये समाचार सामने आया कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत को ले जा रहा है, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें अन्य सैन्य अधिकारी भी मौजूद थे, उसके बाद ये खबर आई, उनकी पत्नी भी हेलीकॉप्टर में सवार थी, उनका स्टाफ, कुल मिलाकर 14 लोगों की जानकारी सामने आई है। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, एक बड़ी दुर्घटना की ओर इशारा कर रही है, लिहाजा चिंताएं बढ़ी हुई हैं, आशंकाएं निर्मूल साबित हो इस तरह की प्रार्थना की जा रही है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत, जिन्होंने सीडीएस के तौर पर एक गहरी छाप छोड़ी है, उसके कामकाज के जरिए अपनी जो अलग पहचान बनाई है, पहले सीडीएस वो बने हैं, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और जिस तरीके से उन्होंने
यहाँ पर अपनी पहचान बनाई है। तो ये जरूर है कि उनके कामकाज को लेकर जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इस साल के समय में उन्होंने तीनों सुपरफास्ट कार को लेकर तैयारी की, समीक्षा हो, लगातार रणनीति बनाने की बातें हो, उसमें गहरी छाप पड़ी है। ऐसे में सीधे जनरल नितिन रावत की कुशल सलामती से जुआ इस वक्त हर कोई कर रहा है, हर पार्टी कर रहा है। उनके अन्य जो जनरल पत्र में जवाब देते हैं अधिकारी उनकी सलामती की दुआएं की जा रही है। फिलहाल एक दुखद दुर्घटना हुई है, कितना नुकसान हुआ है, जिस तरीके से ये दुर्घटना रही है, इसके बारे में जानकारी अब रक्षा मंत्री की ओर से संसद में दी जाएगी, ये बताया जा रहा है। इससे पहले चूंकि पूर्व निर्धारित कैबिनेट बैठक यहाँ पर चल रही थी, उसमें ही इस हादसे की जानकारी जैसे ही मिली प्रधानमंत्री को पूरी ब्रीफिंग रक्षा मंत्री की ओर से जानकारी दी गई है। और उसके बाद अब जानकारी आ रही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में बयान देने वाले हैं। बिल्कुल, पूरा देश उनकी सलामती की दुआ कर रहा है और पूरा देश यही चाहता है कि जो लोग उस सेना के हेलीकॉप्टर में सवार थे वो सही हो, सुरक्षित निकले, क्योंकि कुछ लोगों का इलाज इस समय हॉस्पिटल में चल रहा है और पूरा देश सलामती की कामना कर रहा है।